ने कहा कि भाई मेरे को शौक था एंटरटेनमेंट, बिल्कुल, बट वो इंस्पिरेशन कब आई कि यार इसको करियर बना। मेरी फैमिली में जैसे कि मैंने आपको भी जब हम पॉडकास्ट से पहले बात करें तो बताया था कि सारे पहलवानों का परिवार है, तो मुझे था कि शुरू से कि मैं कुछ अलग करूं और मुझे लगा रैप का जो कॉस्ट्यूम है मैं उसमें परफेक्टली फिट हो सकता हूं, तो मैंने इसलिए वो चुना। राम मंदिर ने कुछ लिखा? बिल्कुल बिल्कुल, सुनाना यार राम मंदिर। बात है सनातन की, बात हिंदू राष्ट्र की है, जात पात में न बटो एक बनो, राम 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 जय श्री राम। क्या बात है जी जयश। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता इस हिप हॉप से या रैपिंग से जी जो हिंदुस्तान का धरातल है, जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है जी, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होता जा रहा है? यंगस्टर उससे डिस्कनेक्ट करके बिल्कुल जा रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं भाई, वो तो मुझे भी फील होता है एज अ रैपर। मैं अब कुछ करूंगा, आपने जो बोला ना, मैं जो कर लगता वही करूंगा। मैं ना हमेशा बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूँ। माँ जैसा तो प्यार कोई कर ही नहीं सकता इस दुनिया में, आप चिराग लेके भी ढूंढ लोगे ना तब भी माँ जैसी मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो आज तक कभी कोई रैप किसी पॉलिटिकल आदमी या किसी गुरु वगैरह पे लिखा है? सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है ये भी कुछ खास है पॉडकास्ट शो में। एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्ज्वल चुघ। वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का पॉडकास्ट जितने भी यंगस्टर्स हैं जो बड़े एस्पायर करते हैं, देर इज समबडी वेरी यंग जिसने अपनी जर्नी बहुत यंग शुरू करी और मतलब एक अपनी यूनिक जगह से लड़ते हुए, अपनी मेहनत से गिरते हुए आज ठीक ठाक लेवल पे ही इज डूइंग क्वाइट गुड थिंग्स इन इम्पैक्टफुल थिंग्स, करियर राइज कर रहा है धीरे धीरे। और आजकल जिन यंगस्टर्स को बहुत मजा आता है एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ गुड नेम इन द इंडस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट। ऑलरेडी एक सुंदर नाम बना लिया है, बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ों को कर रहे हैं एंड बहुत एंथुजियास्टिक, एंटरटेनिंग और गजब की जर्नी है। उस जर्नी पे बात करेंगे, कुछ इंट्रीकेसीज पे बात करेंगे और बड़ा तगड़ा मजे आने वाला है। सो जितनों को भी मजा आता है आजकल के वो सारे रैप वैप सब सुनने में, सो लेट मी टेल यू, सो टुडेज गेस्ट समबडी स्पेशल, बहुत खास एंड ऑलरेडी ऑन इज वेरी खास जर्नी, बहुत सारे खास काम कर लिए हैं और आप सब लोग, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। गेस कर पा रहे हो कौन? नहीं तो नाम है यश चौधरी, जो कि पॉपुलर नेम है YC गुज्जर। तो जितने भी सारे के सारे भाई मेरे हरियाणा वाले सुन रहे हो तो नाम तो सुनकर के फील आती है YC गुज्जर, नाम तो सुनकर आती है कोई भाई हरियाणा का दमदार लौंडा होगा, बट ही इज वेरी हम्बल एंड समबडी वेरी डाउन टू अर्थ। लेट्स टुगेदर वेलकम हिम टू द पॉडकास्ट। हाय डियर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन्वाइट किया अपने इस बहुत ही खूबसूरत से पॉडकास्ट में। और ऑलवेज आर हम्बल टू, थैंक यू ऑलवेज पीपल लाइक यू हु आर सो यंग ऑन द जर्नी। और 26 साल की उम्र पे 10 साल मेहनत, यानी कि 16 साल पे जी जहाँ पर आदमी ने अपना पर्पस ने उसको ढूंढ लिया और लग गया, तो ये बहुत सुंदर बात है। एंड यू आर ऑलवेज वेलकम, ऑल सच पीपल ऑलवेज लिव इन माय हार्ट, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू भाई, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो पॉडकास्ट की शुरुआत, आप रैपिंग में अपने करियर को, रैपिंग में बहुत सारे काम कर रहे हो, बिल्कुल, तो मैं सवाल ही यहीं से शुरू करना चाहूंगा। हाँ। कि व्हेन यू स्टार्टेड इन रैपिंग, ये आपके दिमाग में बल्ब आया कहां से? ओके, एंड व्हाट वर योर इन द इनिशियल स्टेज, आपका इन्फ्लुएंस का रीजन क्या था? हु वर योर स्ट्रॉन्ग? माइकल जैक्सन। अच्छा, कि मतलब बचपन में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब बेसिकली मैं हिप हॉप से इन्फ्लुएंस था। ओके, तो पहले मैं, क्योंकि हिप हॉप एक डांस फॉर्म भी है, आई थिंक आपको पता होगा। yes. तो मैंने डांस वगैरह करना शुरू किया और जो स्कूल वगैरह में, छोटी सी उम्र में 10-11 साल में, तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट इसी में था, एंटरटेनमेंट में ही। फिर जैसे टाइम बीता, थोड़ा सा रैप सुनना शुरू किया, तो मुझे लगा यार ये बहुत ज़्यादा कूल चीज़ है। बोहेमिया हो गए हमारे और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, तो मैं उनसे कुछ ना कुछ लिखता था उल्टा सीधा और अपने भाइयों को जाके सुनाता था, कजन्स को। हाँ। तो वो थोड़ा मुझे करते थे कि अरे वाह वो मजा आ रहा है बहुत, क्योंकि कर देते। हाँ, और फिर वो करते 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 आज आपके सामने है। बस ऐसे रैप का शौक तो ऐसे लगा। वंडरफुल, नहीं आपने बहुत सुंदर एक इंस्टाग्राम की भी अपनी फैमिली, आई बिलीव 60,000 के आसपास होने वाली है, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। जी जी जी, तो मतलब आपने कहा कि भाई मेरे को शौक था एंटरटेनमेंट, बिल्कुल, बट अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को शौक तो बहुत सारे होते हैं जी,
बट वो इंस्पिरेशन कब आई कि यार इसको करियर बना? भाई वो इंस्पिरेशन तब आई मेरी फैमिली में, जैसे कि मैंने आपको भी जब हम पॉडकास्ट से पहले बात करे तो बताया था कि सारे पहलवानों का परिवार है, तो मुझे था कि शुरू से कि मैं कुछ अलग करूं, है ना, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा और मुझे लगा रैप का जो कॉस्ट्यूम है मैं उसमें परफेक्टली फिट हो सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने इसलिए वो चुना, बस यही है और तो कोई रैप के कॉस्ट्यूम में क्यों बेस्ट फिट हो सकते हो? बिकॉज एक ये चीज मुझे लगता है कि ऊपर वाले से लेके इंसान पैदा होता है ना, कि आपके अंदर होती है कि भाई क्या करना है, एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना कि क्या करना है, ये तो होता है। तो मतलब जैसे मतलब व्हेन यू यूज्ड टू लिसन टू एंटरटेन, कभी मन में ये नहीं आया कि यार मैं मतलब सिंगिंग में कुछ और कर लेता, हाँ म्यूजिक प्रोडक्शन पे और कर लेता हूँ, या मैं एक्टिंग में चला जाता हूँ? जैसे लोगों का आजकल बड़ा रुझान होता है कि मुझे नहीं पता नहीं भाई, रैपिंग से प्यार था, फिर कभी मतलब शक किया ही नहीं अपने जो भी काम करना चाहो उस पर, जो मन में जो बात आई उस पर कभी शक नहीं किया, कभी सवाल नहीं उठाया, मुझे लगा कि मैं जो सोच रहा हूँ मेरे से बेहतर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। रैपिंग से प्यार तो मुझे दिखता है क्योंकि बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। हाँ तो व्हेन यू स्टार्टेड दिस होल, तो अगर मैं एज अ रैपर आपसे पूछूं, बिल्कुल पूछो, और आप जब लिखते हो कुछ भी एंड व्हेन यू क्रिएट अ रैप, ओके, तो आपकी कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई थीम होता है, या यू जस्ट डू इट आउट ऑफ? भाई मूड के ऊपर डिपेंड है, मैं किस मूड में हूँ, क्या सोच रहा हूँ। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं किसी एक जनरे पे काम नहीं करता, मैं बदलता रहता हूँ मूड के हिसाब से, मैं सैड सॉन्ग्स भी करता हूँ, करता अपने क्राइटेरिया में रह गई हूँ कि हिप हॉप के उसमें करना है मुझे, लेकिन हाँ मैं चेंज करता रहता हूँ कि एक ऐसा नहीं, तो मतलब जैसे मूड में होगा, मान लो सपोज करो कि ब्रेकअप हो रखा है वैसे गाने गा दिए, ठीक है, पार्टी के मूड में हूँ तो पार्टी वाले गाने लिख दिए, वैसा चलता है, मतलब जैसी वाइब चल रही है। हाँ वाइब के बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी ट्रेंड के हिसाब से भी, आजकल तो आपको पता है ना कि थोड़ा सा रहता है, जैसे अभी पीछे वो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो थोड़ा सा हिंदुस्तान से तो भेड़ चाल भी जरूरी है। तो राम मंदिर में कुछ लिखा? बिल्कुल बिल्कुल, सुनाना यार राम मंदिर, अगर आप सुना सको, थोड़ा सा सनातनी टाइप। हाँ, है, बहुत सुंदर, सुनाओ ना। बात है सनातन की, बात हिंदू राष्ट्र की है, जात पात में न बटो एक बनो, तुम भी जय श्री राम बोलो, मैं भी जय श्री राम बोलू, लक्ष्य भेद ना है हमको बन के राम बाण, राम 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 जय श्री राम। क्या बात है, जय श्री जय श्री राम, ऐसे करके कुछ मतलब बनाया था, और आई थिंक वो काफी अच्छा चला था उस टाइम पे, और अभी भी स्टिल है यूट्यूब पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके माध्यम से जो लोग सुनना चाहे जाके सुन सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। डेफिनेटली, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब ये सुन के अच्छा लगा कि समबडी यंगस्टर जो रैपिंग को सारी डायमेंशन में देख पा रहा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, और फिर ये गाना तो बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि राम नाम से तो पत्थर तैर जाते हैं, तो गाना है। अरे क्या बात, तो बस आपको, तो आप एज अ रैपिंग इफ आई से, तो लॉट ऑफ पीपल, जब आपने अपनी जर्नी को शुरू करी जी, तो आपने स्पेसिफिकली एज अ रैपिंग में क्या क्या चैलेंजेस को फेस करा व्हेन यू आर वेरी इनिशियल इन दिस? भाई फेस ये किया मैंने कि एक तो कोई ना आपको आगे बढ़ने ही देना चाहता। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी किसी से दुश्मनी हो तभी ये बात होगी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेमतलब आपके पीछे पड़ जाते हैं, तो ये सब चीजें फेस करी, लोग बहुत ज्यादा ईगो दिखाते हैं, ईर्ष्या भी करते। हाँ, लेकिन मैं ना कभी रुका नहीं भाई, मैं कभी रुका नहीं, मैंने सोचा कि भाई मुझे करना है, या तो कुछ हो जाएगा, और अगर मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा, और मुझे लगता है कि मेरे लिए या किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी दुनिया में कोई खुशी नहीं होती कि जो वो करना चाहता है वो कर रहा है। एब्सोल्युटली, आई एंडोर्स दिस जी, क्योंकि आज की डेट में 90% युवाओं को, यूथ को यही नहीं पता कि करना क्या है। सो मुझे लगता है कि बेटर है ये सोचने से अच्छा कि क्या होगा और नहीं होगा, आप सिर्फ ये सोचो कि आपको करना क्या है, है ना, क्योंकि उन सब चीजों से आपका ध्यान भटकेगा कहीं ना कहीं, और ऑलरेडी हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं, कैसे दुनिया में एक जैसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे आपका दिमाग भटकाने के लिए 100 चीजें हैं। सर्टेनली, तो बेहतर यही है कि आप सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस्ड हो जाओ कि आपने करना क्या है, और बिल्कुल निशाना सीधा रखो अपना कि भाई तो कुछ तो होगा, और मुझे लगता है कि आप दिल से कोई चीज चाहते हो ना भाई, मतलब ये फिल्मी बातें जरूर है पर बोलना भी जरूरी है, अगर आप दिल से कोई चीज चाहते हो तो फिर सारी आपके साथ में जो पॉजिटिविटी होती है ना वो भी पूरी कोशिश करती है कि वो हो जाए। सही बात है, तो कुछ तो होगा और कुछ खास होगा। इसलिए जल्दी से खास पहले सब्सक्राइब कर लो भाई, खास। चलिए, बहुत सुंदर। तो आपकी जर्नी, यू स्टार्ट फ्रॉम अ मिडिल क्लास जी, बिल्कुल, एंड जैसा कि आई जस्ट गेट टू नो थोड़ा बहुत आपके बारे में जब पढ़ा जी, तो आपके जो पूजनीय पिताजी थे बड़ी जल्दी उम्र पे, व्हेन यू वेरी यंग, जी, ही लेफ्ट दी
उनका स्वर्गवास हो गया 2019 में थे. तो अक्सर ऐसा होता है कि आज की डेट में यंग एज में भटकाव इतने हैं, बिल्कुल, और ऊपर से जब फादर चले जाएं तो प्रोबेबिलिटी होती है आदमी रोल ज्यादा जाएगा जल्दी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हाउ डिड यू मैनेज टू कीप योरसेल्फ कीप गोइंग? भाई मैं समझता हूँ कि वो जब मेरे फादर मुझे गए, हाँ, तो जब उनके होते हुए मैं इतना कुछ नहीं सीख पाया उनसे जो उन्होंने मुझे जाने के बाद सिखा दिया. वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनके फेसेस बदल गए मुझे देखने के, उनका नजरिया बदल गया मुझे देखने का. जिन आंखों में कभी प्यार दिखता था उनमें कुछ और ही दिखने लगा. तो ठीक है, उससे मुझे पता लगा कि अब अपना बाप खुद बनना पड़ेगा. और चीज़ें मुश्किल हुई लेकिन आदत हो गई है उन चीज़ों की, अब मैं यूज्ड टू हो गया हूँ बहुत ज़्यादा. और हाँ, अपना बाप खुद बनना पड़ेगा. और ये इंसान ना, सबसे बड़ी दुख भरी बात यही है भाई कि जब इंसान कोई जीवित होता है ना, तो हम लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते, लेकिन उसके जाने के बाद आपको पता लगता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट था. लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती. ये एक बहुत बड़ी आयरनी है जी. और इस आयरनी का कारण ही यही है कि अक्सर हमारे को जो मिल जाता है ना, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते और हम नेग्लिजेंट. लेकिन मुझे लगता है भाई करना चाहिए कभी कभी लाइफ में ना. आप हमेशा ये मत सोचो कि यार ये बुरा है ये अच्छा है, इन सब चीजों से ज्यादा आप सोचो कि आपको सुंदर बनाना है अपने मन को. Absolutely. क्योंकि ना अक्सर सुंदर चीजों में ही भगवान की दृष्टि भी पड़ती है. समझ रहे हो? आप दूसरों में कमियां निकालते रहोगे तो आप खुद ही अपनी अपनी अच्छाइयों पर ध्यान कैसे दे पाओगे? ऐसे ऐसा है आपकी ये जो बात अभी आपने प्रसंग बोला ना, किसी को सुन के लग नहीं रहा होगा आप रैपर. बिल्कुल भाई, लग रहा है बेटर ये है कि आप किसी यंग बाबा की तरह आ जाओ, ज्यादा अच्छा है. सही बात है बिल्कुल बिल्कुल. नहीं भाई देखो, मैं अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली, पर मुझे लगता है कि अभी आपने ही मुझे बोला था कि यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग फ्रॉम अदर्स. तो उस प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं सोचूं तो दिख मैं रैपर जैसा रहा हूं, पर अगर मेरी जो बोली है वो थोड़ी सी ऐसी रहेगी कि जो लोगों को समझ पाए और वो वाकई में मोटिवेट हो पाए उससे, तो ज्यादा बेहतर है. बहुत सुंदर. नहीं तो भाई वो मैं भी बोल सकता हूँ कि क्या चेक है बावे भाई, वाइब है वो, मतलब ठीक है ना. मैं जैसा हूँ मैं ऐसा हूँ. आई रियली अप्रिशिएट दैट. ये तो मेरी आदत है मैं, और वैसे भी मैं अब पॉडकास्टर भी बन गया हूँ, तो मैं इस वाले माइक पे ज्ञान की बातें देता हूँ और वो उस वाले माइक पे रैप. बहुत बढ़िया. ये तो बहुत अच्छी बात है. आई मतलब मेरी तो आदत है मैं. ना ना बिल्कुल बिल्कुल. इट्स आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि लोगों की, मैंने उसको वैसे ही लिया. लोगों की हाइट बहुत छोटी है, लंबा कर दो. वेरी गुड भाई, सही है. बट येस दैट्स ग्रेट क्योंकि आई कैन सो स्ट्रांगली रेजोनेट विद यू क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी बहुत यंग स्टार्ट करी एंड आई कैन सी यू एज अ यंग. खुद भी वैसे यंग, मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ भाई अब. एनीवेज, सो दो यू आर सिंस यू आर वेरी यंग और बहुत बड़ा रनवे है अभी जी करियर में, मैं समझता हूँ क्योंकि 26 साल की उम्र है एंड बहुत कुछ करना है एंड अभी तो कुछ माइलस्टोन ही अचीव करे हैं. बट स्टिल सिंस यू स्टार्टेड सुपर यंग और 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल के तजुर्बे पे वॉट एवर सक्सेस माइलस्टोन यू हैव अचीव्ड, तो आपका क्या खास बड़ा, अगर मैं प्रिसाइज बात करूँ, फोकस्ड एडवाइस है उन सारे के सारे यंगस्टर्स को जी जो रैपिंग में एस्पायरिंग रैपर्स बनना चाहते हैं या okay. अपना रैपिंग में बहुत इनिशियल स्टेजेस में, व्हाट यू विल एडवाइस टू देम? मैं पहले तो यही एडवाइस करना चाहूंगा उनको कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर रहे हो, नॉट रैपिंग ही, अगर आपका पूरा मन है उसके साथ, रुचि है आपकी उस काम में, या मतलब दिल होता है ना, दिल करेक्ट, क्योंकि सक्सेसफुल होना क्या है, जिस दिन आपको आपके काम से प्यार हो जाए ना, तो सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. तो तभी आप उसको चूज करो करियर को, राइट. अदरवाइज आप मत करो किसी को देखकर कि भाई वाह ये चीज चल रही है मैं भी कर लूं, क्योंकि आजकल ये चीज मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स में वो कर रहे हैं बेवजह, उन्हें नहीं पता इसका फ्यूचर है क्या नहीं, क्योंकि 10 साल हो गए भाई मुझे. आप चूज कर लेते हो क्योंकि ना फिर एक बहुत बड़े लोग अपने दिमाग पे बिठा लेते हैं, नहीं हो रहा यार नहीं हो रहा, इसकी वजह से वो लोग बहुत डाउन फील करते हैं. कुछ ऐसे आर्टिस्ट मेरे सामने हैं जिन्होंने गलत कदम उठाए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी यंगस्टर्स बट ना सर पहुंचे. आपने जब ये बोला इसमें एक ऐसा भी होता है ना, सब स्पेसिफिकली बहुत बड़ी ऐसा होता है कि कुछ बहुत सुंदर कलाकार हो जी, दे आर ब्यूटिफुल आर्टिस्ट जी, सच में उनका काम नेक्स्ट लेवल का होता है जी, बट उनको किसी कारणवश प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और जिसकी वजह से उनके लिए सिचुएशन ऐसी आ जाती है जी, जी. कि अब आदमी को छोड़ना पड़ता है जी. तो आपका, अगर मैं बहुत टेक्निकल एंगल से बोलूं, तो उस पॉइंट पे आप क्या ऐसी हिदायत या ऐसी क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे जो एस्पायरिंग रैपर है वो शुरुआत से ध्यान रखे टेक्निकली, अगर वो रैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में? भाई जो मैं सोचता हूँ मैं वो बताऊँ, मेरे को
सक्सेस होती क्या है मुझे अभी तक सच में समझ ही नहीं आया है। मुझे बस अपना जो मैं कर रहा हूँ ना, रैपिंग हो गया या पॉडकास्ट, जो भी आप समझते हो, मुझे इससे प्यार है बस, और मैं कर रहा हूँ लगन के साथ कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि कुछ क्यों नहीं हो रहा, मेरे मन में कभी बात आती नहीं। मेरे को बस पता है कि भाई करना है और पूरी दिल से करना है, टाइम देना है, कोई नहीं आज नहीं हो रहा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, बस लगे रहो। और क्या होता है कभी कभी ज्यादा सोचने से भी चीजें खराब हो जाती हैं, ओवरथिंकिंग नहीं करनी आपको, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स होती हैं और वो आती हैं, आता है टाइम, जरूर आता है, थोड़ा लेट आता है बट आता है। सो द आइडिया इज नेवर गिव अप, आइडिया इज नेवर गिव अप, एंड अपने ऊपर जितना हो सके भरोसा करें। राइट, सो इट्स द ब्यूटीफुल इज, मतलब क्योंकि भाई देखो कोई भी एक चीज ऐसी एडवाइस नहीं है कि आप वहां चले जाओ तो आपको वहां दवाई मिल जाएगी, आप फिट हो जाओगे। दिस इज द वेरी वेल सेड, जैसे माय मेंटर, दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम। सक्सेस मिलती है अपने अंदर पेशेंस रखने से, जिस काम से आप प्यार करते हो उसको पूरा होने में समय लगेगा। करेक्ट, सक्सेस कोई मैगी नहीं है कि बना ली और खा ली। तो मतलब इन सबको अगर हम बड़े सुंदर क्रक्स में निकालें, क्योंकि दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय गुरु की कीप ऑन कीपिंग ऑन, अ डे विल कम एंड थिंग्स विल फ्लिप। चलिए, तो मतलब वही आपके साथ हुआ और लग रहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, और वही आपके साथ हुआ है जी। और उसी सोच से गेम चेंजर गाना लिखा है, उसी सोच से शायर लिखा। हाँ, गेम चेंजर आपका जो गाना एक रैप आपने लिखा, वो भाई वो तो मतलब बहुत सारी सोचों से लिखा है, बट हाँ ये सोच तो हर गाने के साथ रहती है कि करना है बस और तो लगे रहो। जब ये सोच की बात आ रही है, तो व्हेन यू राइट जी एंड व्हेन यू गो फॉर अ रैपिंग, ओके, तो क्या रैपिंग में भी इमोशंस एक्सप्रेस होती है? बिल्कुल होती है भाई, बिल्कुल होती है। अच्छा, बिना इमोशंस के तो आप पब्लिक को कनेक्ट ही कैसे कर पाओगे? ओके, समझ रहे हो, जब बंदा सुनेगा रिलेट कर पाएगा तभी चीज चलेगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी गा दो। बाकी हाँ ये भी होता है कि कुछ जैसे आपने कोई लाइन लिखी तो उससे बहुत एक लिमिटेड ऑडियंस रिलेट कर पाती है, क्योंकि हर किसी को सुनना पसंद नहीं होता ना। राइट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं रैप में खासकर। करेक्ट, और ये बहुत हार्ड वर्ड वाली गेम है। यस, तो इसमें मोहब्बत वाली चीजें गाना बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी, बट स्टिल वो भी कर रहे हैं, मेरा नया गाना वैसा ही है। हाँ, बट होती है सब चीजें। तो एज अ रैपिंग की अगर हम बात करें जी, तो बहुत अगर जनरली देखें तो रैपिंग इज लिटल एग्रेसिव थिंग। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो इस पे ना एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ओके, बहुत सारों को ये लगता है कि जब हम रैपिंग की बात करते हैं जी, तो रैपिंग में वो संगीत की सादगी और जो संगीत जिसको हम बोलते हैं ना, संगीत एक साधना है, रैपिंग को लोग अक्सर मानते हैं कि रैपिंग इज मोर लाइक नॉइस। इस पे आप क्या फील करते हैं? मैं उसमें ये फील करता हूँ कि भाई देखो वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे कहते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो पांचों लोग लोग होंगे अगर दुनिया में, तो उनकी ये सोच नहीं होगी। कईयों को वो सुनना पसंद है, जब कच्चा बादाम हिट हो सकता है तो रैप तो फिर भी एक बहुत लिरिकल गेम है आई थिंक। लेकिन हाँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं तो रैप सिर्फ वैसी नहीं होती कि दिस इज गैंगस्टर शिट, लोफी भी आजकल गाने बन रहे हैं जो बहुत सुकून देते हैं। और ठीक है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, चीजें आ रहे हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट रिलीज होता है उसके अंदर कमियां लोग बताते हैं, फिर उसको करेक्ट करा जाता है। इस तरीके से हिंदुस्तान में भी हिप हॉप मुझे लग रहा है अभी भी ग्रो हो रहा है। यस यस, समझ रहे हो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बट आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता इस हिप हॉप से या रैपिंग से जी, जो हिंदुस्तान का धरातल है, जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है जी, जिसमें असली वो सार और असली दर्द है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होता जा रहा है, यंगस्टर उससे डिस्कनेक्ट करके भूलते जा रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं भाई, वो तो मुझे भी फील होता है, क्योंकि वो बहुत प्यारा म्यूजिक है। बट एज अ रैपर मैं अब कुछ करूंगा, आपने जो बोला ना, मैं जो कर सकता हूँ वही करूंगा। मैं ना हमेशा बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूँ, तो अगर मेरे को लगेगा कि मैं कुछ कर पाऊँ ऐसा कुछ अच्छा, और मैं करता भी हूँ भाई, आप कभी आपको टाइम मिले तो मेरे गाने सुनना। हाँ, मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल गाने भी बनाने की कोशिश करता हूँ, एक दो है प्रोजेक्ट्स मेरे, वेरी नाइस। तो मतलब करता हूँ मैं हर तरीके का कॉन्टेंट। तो आप बाकी चलाना पब्लिक के हाथ में, उन्हें अगर ऐसा होता है कि जब आप कुछ भी काम बड़े दिल से और साफ नियत इंटेंशन से करते हैं ना, तो पब्लिक भी उसको सहाती सहारा देती, कनेक्ट करते हैं हमारी फीलिंग से वो। यस, तो अच्छा, अगर मैं आपसे इफ आई टॉक अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ दिस म्यूजिक इंडस्ट्री, तो बिजनेस साइड पे जब कभी भी बात आती है साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, डूइंग नेगोशिएशंस, तो उस पे आप कैसे काम करते हैं और उसको किस आउटलुक से देखते हैं? भाई बेसिकली देखो, चीज आपने बनानी है, ठीक है, लोगों ने चलानी है, तो ये बीच के जो बिचौली है ना, मुझे नहीं लगता कि ये अब किसी काम के हैं, क्योंकि अब सोच बदल चुकी है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं लोग। तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा वो गलत है यार, वो भी डील्स देते हैं, उनका काम है, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं ऐसे किसी के बारे में कैसे बोलूं। लेकिन मेरा खुद का ये वो है कि जो आर्टिस्ट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, एक तो एक नहीं कर सकते तो एक अलग वो उनके लिए ऑप्शन ही खत्म है, लेकिन जो कर सकते हैं तो वो जरूर इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि एट द एंड तो इंडिपेंडेंट ही आना आपने, समझ रहे हो।
आप या तो जो कहते हैं ना गलियां धक्के खा के आप वहां हो गए, तो बेहतर ये कि, पर वही वाली बात है भाई, एक्सपीरियंस लेके आदमी मानता है, बिना एक्सपीरियंस के आप किसी को किसी को भी समझा लो वो समझेगा नहीं। मतलब हर आदमी को लगता है कि नहीं आइए बेफिक्र बना रहा हूँ कि अपना इसका खुद का खुद भाई कर लिया, हम जैसे रहे ना वैसे ही चीजें लोगों को समझाते हैं। बिल्कुल सही है कि वो कहते हैं ना मछली पत्थर चाट के वापस आती है, वो वाली चीजें होती है कि कुछ चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही सीखी जाती है, अपने तरफ से आप कुछ भी बोल दो ऐसे नहीं होता। नहीं वेरी नाइस। अभी आप बात कर रहे थे कि जब कोई ब्रेकअप वेकअप वाला मूड हो तो वैसा गाना होता है, बिल्कुल ऐसा हो वैसा हो, तो आप कभी रिलेशनशिप में रहे हो? बिल्कुल भाई रहा हूँ मैं बहुत। तो दैट रिलेशनशिप इज स्टिल देयर और इट्स नो मोर? नहीं इट्स नो मोर, बट ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं तो चाहूंगा वो इंसान भी खुश रहे लाइफ में। तो व्हाट डू यू फील, ब्रेकअप आदमी को मोटिवेट करता है या उसको डिप्रेशन में ले जाता है? भाई मुझे लगता है मोटिवेट करता है, डिप्रेशन में भी लेके जाता है, डिप्रेशन में लेके जाता है, लेकिन वो अब उस इंसान के ऊपर है कि वो कैसे लेता है उसको। वो इंसान जो आपको सच में छोड़कर चला गया क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर उससे ज्यादा आपके गोल्स, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है? राइट, समझ रहे हो? सिर्फ एक ही इंसान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देना, आई थिंक ये गलत है हमारे एनवायरमेंट के लिए भी। और कुछ करके दिखाओ ना यार, ताकि जो इंसान आपको छोड़कर गया है वो भी कहे कि यार आपने बहुत सुंदर बात करी, बट इसमें ना एक बड़ी बारीक थ्रेड है आज के यंगस्टर में, हम किसी भी चीज को ना बड़े न्यूट्रल और एक संतुलित लेवल पे नहीं कर सकते। योर थॉट प्रोसेस इज वेरी राइट, बट लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस नाउ कि इस थॉट प्रोसेस से ना लोग सुपर सेल्फिश भी हो जाते हैं। जो लोग आपके लिए जेन्युइनली केयर करते भी है तो हम उनको भी इग्नोर कर देते हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं सिर्फ छोड़ के जाने वालों का। अच्छा, जो छोड़ गया वो अपना नहीं हो सकता, जब आप जो दिल तोड़ गया वो अपना नहीं हो। अरे क्या बात है, तो जब आपको छोड़ गया और दिल तोड़ गई जो, तो उसके बाद आपने कुछ लिखा या गाया? हाँ मैंने मतलब ऐसे ही लिखा था, मैं ये नहीं कहूंगा उसके लिए लिख दिया। अच्छा। बट हाँ ऐसा कुछ सिमिलर उस सिचुएशन में लिखा था। जितने इस पॉडकास्ट को दिल टूटे हुए सारे आशिक सुन रहे हैं उनके लिए कुछ R&B सिंगिंग में कुछ बनाया था मैंने, ऐसे सुना दो उन सारे आशिकों के लिए, थोड़ी सी लाइन थी उसकी। तू फेमस मेरे जाने के बाद भी रहेगी, ये दुनिया तेरे बारे में 100 दफा कहेगी, तू बेवफा थी बेवफा है बेवफा रहेगी। इस तरीके कुछ था गाना मैंने बनाया था। तो मतलब ठीक है भाई, मैंने बोला ना मैं जैसे जोन में होता हूँ जो चीज़ आती है वैसे लिख देते, बाकी ये वाला गाना तो खैर मैं उस समय एक ऐसी सिचुएशन में था कि मैं लिख नहीं पा रहा था, तो मैंने अपने एक राइटर है मेरे भाई जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ है, दीप राजपूत, उन्होंने लिखा था वो बेवफा गाना। तो खैर बट हाँ चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो आप अपने जब रैप लिखते हो तो उसमें लिखना, म्यूजिक, एवरीथिंग वो आप ही करते हो या? भाई वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे, कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं ही खुद करता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है कि मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने खूबसूरत चीज बनेगी। बिल्कुल सही, तो मैं लेता हूँ उनकी लिरिक्स। ओके, यू टेक द लिरिक्स एज वेल, लिरिक्स म्यूजिक भी, म्यूजिक प्रोडक्शन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाई कि सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, अगर मैं सोचू नहीं मेरे को सब कुछ आता है, ऐसे नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ, मैं हर दिन आगे बढ़ता हूँ। और कभी नहीं बोलना चाहिए मुझे सब कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता भाई। जब तक इंसान पैदा होता है ना, पैदा से लेके मरने तक वो रोज कुछ ना कुछ सीखता है, और मरते दम तक उसकी सीख कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, वेरी वेल सर, दिस इज अ वेरी वाइस मैन एडवाइस ऑलवेज, लर्न टिल द डेथ बेड। बिल्कुल भाई, बहुत सुंदर। तो आपने बड़ी सारी मॉडल्स के साथ काम करा है जी, एंड बड़ी अच्छी अच्छी पॉपुलर मॉडल्स के साथ जी, बिल्कुल। तो आज तक कभी ऐसा फीलिंग आया किसी मॉडल को देख के कि इसको अपनी मम्मी से मिलवा सकते? उसको नहीं, कभी नहीं आया भाई। एक्चुअली भाई मैं भले ही रैपर जरूर, मेरे को ऐसा है लड़कियां जूते मारेंगी ये पॉडकास्ट सुन के अगर ऐसे बोलने गए तो यार। नहीं नहीं, रिस्पेक्ट है भाई सबके लिए, सबके लिए रिस्पेक्ट है, बट वो जो लव वाली फीलिंग होती है ना, मम्मी वाली फीलिंग होती है, वो बहुत अलग होती है, वो बहुत खास होती है। आई कैन अंडरस्टैंड। और वो सिर्फ एक्चुअली एक तो मेरा नेचर ऐसा है भाई, मैं बहुत ज्यादा घुल मिलकर नहीं रहता हूँ लोगों से, घुल मिलकर इन द सेंस में ये नहीं कि मैं रूड हूँ, मतलब हाँ बहुत ज्यादा, मतलब शूट का काम शूट पे ही खत्म, ये नहीं कि मैं वहां से उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके आ गया हूँ, बातें कर रहा हूँ, नहीं, भी प्रोफेशनल जो आप काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। और वैसे भी मैं थोड़ा सा भली रैपर जरूर हूँ, बट मैं मेरे इनर साइड जो मुझे इंसान चाहिए, मैं चाहता हूँ वो सोशल मीडिया पर भी ना हो, थोड़ा ऐसी मानसिक स्थिति का इंसान हूँ मैं, मतलब मुझे 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 साथ, जिस मुझे मुझे लड़की में सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे लड़की में सादगी चाहिए। तो यार ये तो बड़ी हिपोक्रेसी है। नहीं भाई मैं हूँ ऐसा, जो मन में वो बताने वाली बात, जो मतलब मैं चाहता हूँ ऐसा, मतलब चलो सोशल मीडिया तो ये तो कर बहुत अजीब वर्ड बोल दिया, बट एक वो था कि मतलब इतना ज्यादा एक्टिव ना हो, एक नॉर्मल ज्यादा। ऐसे कैसे हो सकता है आज की डेट में हर आदमी
सुपर डुपर खुद इंटेलिजेंट रहना चाहिए और चाहिए उसको गाय साथ में, ये क्या चक्कर है यार? गाय नहीं चाहिए भाई, प्रिंसेस बना के रखना चाहता हूँ अपने, जैसे रानी होती है ना, चार पड़ दीवारों के अंदर होती है, लेकिन सारे सुकून जिंदगी वो देना चाहता होगा। बट मतलब इन दिस टाइम लॉट ऑफ गर्ल्स दे से कि भाई हम रानी खुद बन लेंगे, आप रानी बनाओ मत हमारे को ना, कोई जिम में बना भी नहीं रहा, जो बनना चाहिए बन जाएगी भाई। चलिए वेरी वेल सेड, अभी आपके लिए यू हैव अ बिग रन वे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सीख रहा हूँ भाई कि अभी तो काम पे फोकस करो। बिल्कुल वही है, अभी तो काम ही प्यार है। तो यार आपने ये अपनी मतलब आप शुरू से अपनी इसी गेटअप में हो या कितने टाइम पहले आपने भी इसी नहीं, मैं भाई मैं गेटअप तो चेंज होता रहता है, जैसे कि ऑर्नमेंट्स वगैरह तो डिफरेंट होते हैं लाइफ मतलब टाइम के साथ साथ, बट हाँ मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, मतलब पीयर्सिंग का शौक है, टैटूज का शौक है बचपन से ही, मतलब काफी छोटी उम्र से 15-16 साल की उम्र में ये सारे टैटूज वगैरह। वैसे यार क्या होता है ना कि जो हमारी इंडियन मॉम्स होती हैं, जो माएँ होती हैं, नहीं मेरी मदर तो फुल सपोर्टिव है भाई, तो मैं वही पूछने वाला था कि खासकर माओं का ये होता है कि उनको ना ये सब चीजें वो उसको बोलते हैं सॉरी टू सॉरी, नहीं ओके छोरापन। हाँ ठीक है, तो आपकी मदर ने कभी भी, मैंने बोला ना पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हाँ वो बात तो सही है, तो बट माँ तो बड़ी सारी है, अधिकतर भारतीय माँ है ना, कुछ चीजें कॉमन होती है, तो इसमें नहीं बोला, नहीं इसमें नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मेरे तेरे पे अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या बात है, वो तो वैसे कहा ही जाता है कि माँ का दिल इतना बड़ा है कि वो एक कहानी सुनाते हैं, वो एक बच्चा था, सबने कहा इतना काला गंदा, बट उसकी माँ से पूछा गया कि भाई तुम्हारा सबसे सुंदर लड़का कौन है, उसने कहा जी मेरा बेटा। नहीं चलो अब आपने बात छेड़ी तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, माँ जैसा तो प्यार कोई कर ही नहीं सकता इस दुनिया में, आप चिराग लेके भी ढूंढ लोगे ना तब भी माँ जैसी मोहब्बत नहीं मिलेगी, ये मैं जीना ठोक के कह सकता। अच्छा लेकिन अब इस बात की बात यह है कि भाई मेरी मदर हमेशा कहती है कि अगर आपका प्रोफेशन है ना वैसा तो ये चिचोरा बनती नहीं है, भाई मैं रैपर हूँ तो ये चीज मतलब वही वाली बात है ना कि दिमाग में जैसा वैसा भेज, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज अगर मैं भी कुछ और होता तो मैं खुद ये कहता कि अरे क्या कर रहा है ये सब अच्छी नहीं है, बट जैसा प्रोफेशन है तो भाई करना पड़ता। ये जो आपने एक टू थपना लगा ये भी स्टाइल के लिए भाई, तो ये नहीं वो तो मैं समझ गया, बट स्टाइल में ये गोल्ड प्लेटेड है, सच में गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड कैप है, कैप है। अच्छा कैप है, तो आपने एक्चुअल टूथ पे कैप लगवा रहे, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि लगानी है या ऐसे बैठे बैठे? ऐसे ही आ गई भाई, बाय गॉड ऐसे आ गई भाई, पता नहीं कैसे आ गई, मतलब मैं सच में नहीं बताता, कोई आइडिया नहीं, किसी को देखा नहीं, बस मन करा, क्योंकि यूनिक कुछ करने का हमेशा रहता है मेरे को, तो मैं ऐसी डेंटिस्ट की दुकान के बाहर से गुजर रहा था एक दिन, हाँ काफी टाइम पुराने बाद। अच्छा मैंने उससे जाके बोला ऐसा कुछ होता है क्या? उन्होंने बोला हाँ होता है। अच्छा फिर उन्होंने मुझे अपने किसी क्लाइंट की दिखाई कि देखो हमने इसके यहाँ पे दो लगाए थे, इसके ऐसे लगाए हुए, तो मैंने कहा मेरे लिए, क्योंकि ये कस्टमाइज होता है, ऐसे ऐसे, तो उन्होंने साइज वगैरह लिया लगा दिया, फिर मैं सीधा घर जाके दोबारा खड़ा हो गया मम्मी के सामने, भी देखो क्या रिएक्शन था, उन्होंने कहा तू भाई कुछ भी कर सकता, सही है ठीक है भाई। नहीं, अच्छा ऐसा भी होता है भाई, बच्चा नलायक हो ना तो माँ बाप रोकते हैं उसको, अगर बच्चा चार दिशाओं में अच्छा चल रहा हो और एक दिशा अपनी मन की चुन रहा हो, तो क्योंकि मैं मतलब ये लगा लो कि 10 साल ही हुए मुझे बाहर निकलते हुए दुनिया में, मैंने आज तक का रिकॉर्ड है मेरे घर पे, कोई भी कंप्लेंट नहीं गई मेरे खिलाफ की भाई। वेरी नाइस, आपने जो बात बोली है सच अ वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब इतने सारे यूथ के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उनको अक्सर ये बोलता हूँ कि आप पहले अपने माँ बाप का अगर ट्रस्ट जीत लो कि यू विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, तो आपको फिर फुल सपोर्ट। भाई मैं हर काम करता हूँ, मैं हर दिन जीता हूँ ताकि मैं अपनी पेरेंट्स को, खैर फादर तो नहीं है मेरे, मम्मी है, मैं उनको प्राउड करा सकूँ। नहीं नहीं कि मैं उनका बेटा अच्छा कर रहा है, अच्छा इंसान है। नहीं नहीं पहली चीज़ मेरी यही रहती है कि उन तक कोई बात ना पहुँचे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि है ना उनको, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वो लोग टूट जाते हैं पेरेंट्स हमारे, जब जब ये उनको पता लगता है कि हमारा बच्चा किसी गलत दिशा में है या कोई ऐसा काम कर रहा है गलत, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसा कभी गलती से भी गलती ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ आप जब तक इसको बांध के रखोगे आप एक और बहुत सुंदर यंगस्टर रोल मॉडल बन पाओगे। बिल्कुल भाई, वेरी बनना तो यही चाहते हैं, बाकी नहीं नहीं बिल्कुल बनोगे यार, जब पूरी साफ नीयत और शिद्दत से लगे हो तो क्यों नहीं होगी, फिर तो बिल्कुल भाई कायनात साथ मिलेगी मिलेगी। तो इफ आई टॉक अबाउट आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, व्हाट यू हैव डन इन योर एजुकेशन? मैं दिल्ली में नव भारती सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है, अच्छा वहाँ से मैंने 12th कंप्लीट करा। आप रैपर बनने के बाद गए हो स्कूल वापस कभी? हाँ मैं बचपन मतलब मैंने 2014 में आई थिंक मैं पता नहीं कौन सी क्लास में था, एट्थ में इतना ही होगा, तो सबको पता था इसका म्यूजिक वीडियो आया, मतलब उस टाइम के हिसाब से जो नहीं, नहीं, बट अभी आप रैपर बनने का हैव यू? नहीं नहीं, नहीं कभी। तो एक बार यार प्रिंसिपल स्कूल फ्रेंड्स मिलते रहते हैं लेकिन वो बहुत खुश होते हैं। माय एडवाइस टू यू इज आप एक बार जरूर प्रिंसिपल से मिल के आना, एक बार रिएक्शन
अरे तो जाओ यार। अरे भाई मेरे को स्कूल में कहते थे ईदगाह चांद, मैं जानता हूँ कैसे कैसे करके 12th पास कराई है। अच्छा, मेरे घर वालों ने मेरे को तो, बट ठीक है अब नहीं जाना भाई उस जगह। यार बट ठीक है, दैट्स ओके, बट इट्स अ गुड थिंग। मतलब अच्छा, एकेडमिकली यू हैव नॉट बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। नो, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू अगेन शोकेस की एकेडमिक सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल, अगर आदमी कुछ करना चाहता है और किसी कारणवश, बात है ना, किताबें नहीं, मैंने लाइफ को पढ़ा है तभी आज मैं अपने पैरों पे खड़ा है। अरे क्या वो वाली बात। बट हाँ, मैं समझता हूँ आजकल यंगस्टर्स बहुत सारे इस चीज को लेकर अवेयर हो रहे हैं कि एकेडमिक्स इज नॉट एवरीथिंग, बट अगर आपको अपना एक गोल और पैशन मिल जाए, आर्ट मिल जाए, तो दैट कैन टेक, खासकर आज के जमाने में। यस, आजकल आपका एवेन्यू है, टेक्नोलॉजी है, यू सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल 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 राइट। मेरे को लगता है जो ABCD होती थी ना, वो तो अब इंसान बच्चा फोन पकड़ते ही सीख जाता है, तो वो ABCD वाली, वो A4 Apple, A4, मतलब लगता है इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है आगे जाके। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू जी। तो आपने यू डू रैप एज यू राइटली सेड जी, भाई मतलब रैंडम जैसी वाइब चल रही है वैसा रैप। तो आज तक कभी कोई रैप किसी मिनिस्टर, किसी पॉलिटिकल आदमी या किसी गुरु वगैरह पे लिखा है? नहीं अभी तक तो ऐसा कभी, पॉलिटिक्स से तो दूर ही रहने मन करता है, बल्फ नहीं जाएगा कभी नहीं वैसे नहीं। बट हाँ, जैसे इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो आते हैं हमें कि कुछ कैंपेन बनाने के लिए टीजर वगैरह, बट मैं नहीं करता अभी फिलहाल वैसा काम। मुझे लगता है मैं नहीं हूँ इतना वैसा। यू डोंट बिलीव इन? हाँ बस मैं करना नहीं चाहता फिलहाल। तो अभी तक वाइल डूइंग योर जर्नी एंड अपनी डिजिटल जर्नी पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ जी, आपको क्या लगता है कि वेन यू शेयर एनी ऑफ योर सॉन्ग या आप कोई भी चीज़ लेके आते हो ऑडियंस, क्योंकि आज की डेट में ना ये बड़ा मतलब ऐसा सवाल है, हर कोई इस बात पे चर्चा करता है जी, कि ऑडियंस को एक्चुअल में चाहिए क्या? तो एज पर योर बेस्ट नॉलेज, जो कुछ आपने डाला है, आपके हिसाब से ऑडियंस की क्या डिमांड है आज की डेट? भाई अगर मुझे समझ जो आ जाती तो मैं ही 100 मिलियन के हिट गाने दे रहा हूँ बैठ के। तो यू नेवर नो क्या चल जाए, यू नेवर नो, वाइब का जमाना है भाई। मैं इसमें एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, हाउ कम इट इज पॉसिबल कि जो आदमी बहुत डर्थ वाली, बड़ी क्वालिटी और कुछ बड़ी मतलब इंटेंस बात कर रहा है, हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो कहीं जा पाएगा। बिल्कुल, बट वहीं पर जहां पर आप थोड़ा सा तमाशा या कुछ कर दो तो वो गेम एकदम से उड़ जाती है। अब आप उसी को देख लो, डॉली चाय वाला कहां से कहां पहुंच गया वो भाई। वो वाली बात है ना कि चलाकी, चतुराई और बेशर्मी के मिश्रण को आजकल होशियारी कहते हैं। अरे क्या बात है। तो वो वाली बात है। तो ठीक है भाई, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है और उसका रिजल्ट भी वही भुगतेगा, तो ठीक है सब। बट किसी किसी के साथ तो ऐसा भी है ना कि दे हैव दैट ग्रेस, मैं समझता हूँ कि बाबे की सिदक है उनके पास, दे हैव दैट डिवाइन ब्लेसिंग। बिल्कुल हाँ, अच्छी बात है ना, उसको कहीं से मौका इवेंचुअली भी नहीं पता था नहीं कहाँ मिल गया। और देखो और वही वाली बात है कि भीड़ से हटकर कुछ कोई चाय वाला भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है और वो भी बिल गेट्स आएगा वहां। मतलब देखो ना ब्रदर, मतलब मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर भगवान पे विश्वास नहीं करते तो डॉली चाय वाले को देख लो। बल्कि इम्पॉसिबल चीज कर दी बंदे ने, तो उसने नहीं करी, खुद हो गई, हो गई। तो देयर इज समथिंग ना जो चीजें करा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आप, जस्ट अ वेरी रैंडम क्वेश्चन जी, अगर आज मैं कहूँ कि यू आर नॉट अ रैपर, अगर आज आप रैपर नहीं होते तो गुजर होता क्या फिर? गुजर भाई रैपर नहीं होता तो पता नहीं, वैसे तो कुछ नहीं पता क्योंकि बचपन से इसी चीज में शौक था तो यही करना था, और इकलौता हूँ अपनी फैमिली का, कोई और ब्रदर सिस्टर नहीं है, सिंगल चाइल्ड हूँ। तो कभी पेरेंट्स ने रोका टोका नहीं तो कभी वो है ही नहीं। बट हाँ, बट फिर भी कहाँ पर, इफ यू हैव टू थिंक ऑफ कि अगर नहीं होते रैपर तो कहाँ पर अपने आप को सोचते? तो भाई मैं यूट्यूबर जरूर बनता। अच्छा, यूट्यूबर होता मैं, या फिर चलो एक ही बात हो गई, तो भाई मैं किराया खा रहा होता। क्यों? पिताजी प्रॉपर्टी छोड़ गए पीछे? अरे क्या हुआ, थोड़ी बहुत तो है ही ना। हाँ, तो मतलब उसने किराया छोड़ गए? बिल्कुल। नहीं मतलब वो तो मजाक है। हाँ, बट पता नहीं भाई, ये इस चीज का क्वेश्चन नहीं है मेरे पास कि मैं अब झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोल दूं भाई, मैं ये कर रहा होता। हाँ, पर अभी तो मैं यही कर रहा हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम रैपिंग, व्हाट आर योर इंटरेस्टेड, या क्या करना पसंद करते हो खाली टाइम में? मैं भाई गेम खेलता हूँ। कौन सी? लोगों के साथ नहीं खेलता, मतलब PSP में खेलता हूँ। हाँ, कौन सी? PS4 में। WWE का शौकीन हूँ भाई, WWE बहुत देखता हूँ, और बस ये WWE देखता हूँ। सिर्फ WWE नहीं, बिग बॉस देखता हूँ। सीजन बिग बॉस देखता हूँ। इस बार मेरा भाई गया हुआ है नेजी, रैपर है ना, रैपर वाला भाई। बट आई डोंट लव टू वॉच बिग बॉस एट ऑल। ओके, एक टाइम था बिग बॉस की वाइब थी। हाँ, अब तो मतलब ठीक है,
लेकिन ब्रदर उन्होंने 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 एक चीज कर दी ना कि उन्होंने दो बना दिए, OTT भी बना दिए साथ में। हाँ बिल्कुल सही, सबको मौका, अब यार आर्टिस्ट इतने हो गए वो भी क्या करे ब्रदर, है ना। बिल्कुल सही बात, और सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एज पर एक्चुअल में ना जो आप चीज बोलना चाह रहे हो, बिग बॉस जो चाहता था उनके लिए यही लोग थे। ठीक बात है, ठीक बात है। तो एज एन आर्टिस्ट इफ आई आस्क यू, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन द OTT प्लेटफॉर्म, जो OTT आए कोविड के बाद से जो डिसरप्ट करा, तो उसको आप एज अ ब्लेसिंग देखते हो? खराब कर दिया उन्होंने, और मेरे हिसाब से मुझे मतलब एज अ व्यूअर बता रहा हूं मैं कोई नहीं होता कि जो जाने वाला। हाँ एज अ व्यूअर किस कॉन्टेक्स्ट में खराब बोले तो भाई, अब वो पिक्चर वाला मजा नहीं रहा, वो फिल्म का मजा अलग ही होता था। मतलब ठीक है, जैसा जमाना चेंज हो रहा है चीज़ों को चेंज भी होना जरूरी है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाहर से ही कॉन्सेप्ट आते हैं, आउट ऑफ द इंडिया से। तो जैसा चल रहा है, वो जो चार्म होता था मूवी देखने का, वो शौक मर गया। मैं सच में सीरियसली खुशी होती थी हम आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। अब पता ही लगता कौन सी मूवी कहाँ से आ गई, किस पे आ रही है। एक तो मूवीज इतनी बनने लग गई हैं, वेब सीरीज इतनी बनने लग गई हैं, क्या देखें। मैं तो अब यकीन मानना कि कोरियन मूवीज ज्यादा देखता हूँ आजकल। मतलब दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हाँ दे हैव डिफरेंट मसाला इन देयर कंटेंट, सो वो अच्छा लगता है। किस व्हाट काइंड ऑफ जॉनर ऑफ मूवीज यू लव टू वॉच, एज इन डॉक्यूमेंट्री, थ्रिलर, डॉक्यूमेंट्रीज, कॉमेडी? कॉमेडी नंबर वन मेरी, कॉमेडी मेरी खुशी है। मतलब देखो रुलाना बहुत आसान है किसी को, हंसाना बहुत मुश्किल, राइट? समझ रहे हो, बस वो वाली बात है। रुलाने के लिए तो वही वाली बात है ना कि वो बात है कि किसी की आंखों में उंगली मार दो वैसे ही रो पड़ेगा, हंसाना बहुत टफ काम है। बिल्कुल सही बात। नहीं आप किसी के लिए हंसी का कारण बन सके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आपके मैंने कुछ कुछ जो रैप सुने उसमें ना आप, मतलब मैं समझ सकता हूँ, बट स्टिल टू आस्क यू एज अ पर्सन नॉट एज अ रैपर, ओके, उसमें आपने जैसे कहीं कहीं जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड कर रहा। नहीं नहीं, वो बस एक इसी वाले गाने में मैंने फर्स्ट टाइम करी है, गेम चेंजर में, या तो इससे पहले वालों में मैंने कोई ऐसा वर्ड वगैरह यूज नहीं किया। अच्छा, बट स्टिल मैंने बोला ना जमाने के साथ चलना पड़ता है, तो ऐसी चीजें आ रही है लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा वाई नॉट मी, मैंने भी बना दिया एक। हालांकि मुझे मेरी फैमिली की वजह से बोला कि नहीं यार हम ये नहीं करते, तुम क्यों उसमें ऐसा यूज कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि कभी कभी ऑडियंस के लिए, अगर ऑडियंस भगवान है, अगर उनको ये चीज़ आजकल चल रही है और पसंद है तो बनाऊंगा मैं। अच्छा, वेरी नाइस। हु इज योर बिगेस्ट रोल मॉडल इन लाइफ? माय मदर। अच्छा, वंडरफुल। हाँ, और अगर वैसे पूछो एज अ आर्टिस्ट तो माइकल जैक्सन। माइकल, मुझे लगता है उनके जैसा एरा आज तक किसी भी म्यूजिकल आर्टिस्ट का नहीं रहा उनके बाद। राइट, द एरा ही हैज़ वाज ये तो ऐसे, मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट उस टाइम के जो आर्टिस्ट हैं उसमें एवरीबडी हैज़ बीन देयर। मतलब अगर मैं आप ही के, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट अ सिमिलर लाइन्स ऑन सिंगिंग, जो कल्ट एनरिके का रहा है, आई कांट थिंक कि अब बन सकता है कल्ट किसी का, वो कहीं इंडिया में क्या बाहर भी नहीं बन सकता वो चीज़, क्योंकि इतने ज़्यादा आर्टिस्ट आ गए हैं भाई, और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बन चुकी हैं। अब जैसे अब आप शब्दों की बात करी, पहले के गानों में जो खूबसूरती होती है वो अब के गानों में नहीं होती, उसका रीज़न क्या है? शब्द खत्म हो चुके हैं, इतने ज़्यादा गाने बन चुके हैं, तो अब फिर वही वाली बात है ना कि अब तो ये वाइब के हिसाब से लोग खेलेंगे, रिदम पे खेलेंगे। राइट, तो वही वाली चीज़ है भाई। वंडरफुल। तो कोई एक ऐसा यंगस्टर वेरी स्पेसिफिकली जो बहुत बढ़िया रैपिंग के अंदर जी, बट किसी कारणवश उसकी फैमिली सोसाइटी उसे सपोर्ट नहीं कर रही, और वो स्ट्रगल कर रहा है अपने पॉलिश टैलेंट को एस्टैब्लिश करने में, और उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, ऐसे स्पेसिफिक केसेस के सारे एस्पायरिंग रैपर्स को आप क्या बड़ा फोकस्ड एडवाइस दो? पहले तो बोलूँगा भाई कि आप ही रियल प्लेयर्स हो, क्योंकि जिनको सपोर्ट नहीं मिलता वही कुछ करते हैं। बहुत सुंदर। और ये अपनी सोच बना लो कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं खुद अपना हूँ, खुद मैं खड़ा हूँ। राइट। और क्योंकि ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी को बहुत सपोर्ट मिला है, मैंने भी खुद ही धक्के खाए हैं, आज मैं आपके पास बैठा हूँ, अपने लिंक के थ्रू बैठा हूँ, कोई मेरे मदर फादर नहीं बैठा गया। सही बात। तो खुद ही करना पड़ता है अपने लिए भाई, देने वाला ऊपर वाला है, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। कैसे रास्ते देखोगे वो आपके ऊपर है, आप जितना डिजर्व करते होगे आप वहां तक पहुंचोगे। बस एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मन पर नहीं लेना है, कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। अगर आप कर सकते हो आप करो, नहीं कर सकते इट्स ओके, क्योंकि जिंदगी को इतना सीरियस नहीं लेना। क्योंकि एक बात अगर इंसान ये समझ जाए ना, आप आए हो और आपने जाना है, इसके अलावा कोई भी सच्चाई नहीं है, सब झूठ है, समझ रहे हो। आप एक एरा के हीरो भी बन गए, लेजेंड भी बन गए, तब भी आप जाओगे और अगले जन्म में आप मिलेगा भी नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता,
और मिलेगा भी तो किस चीज़ का मिलेगा ये नहीं पता, तो इतना ज़्यादा क्या सीरियस, जो चीज़ है टेम्परेरी है तो उसका बैटरी लो हो जाती है, बंद हो जाता है फ़ोन स्विच ऑफ, ऐसे हम भी स्विच ऑफ हो जाएंगे भाई। फीलिंग सो हैप्पी टू लिसन दिस फ्रॉम अ यंगस्टर लाइक यू, बिकॉज अगर आने वाला भारत का युवा इस सोच को ला सके तो मैं समझता हूँ कि 100% जो मैं समझता हूँ विकसित भारत एंड दी बिल्कुल इंडिया बीइंग द सुपर पावर विल डेफिनेटली बी। भाई मुसीबतें बहुत प्यारी चीज़ें हैं, वो जिंदगी में आती है ना जब, यस, तो आपके ऊपर प्रेशर तो होगा ऑलरेडी कि भाई देखो कोई भी मुसीबत आ गई, कुछ करना चाह रहे हो, वो चीज़ हो नहीं रही, करेक्ट, लेकिन ना वो ज़रूरी है। यस, आई थिंक जो उनके वजह से आप गलती करोगे वो गलती ही एक दिन आपको सबसे बड़ा सुधार का कारण बनेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, समझ रहे हो, वो एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आप कोई गलती करोगे। बहुत सुंदर आपने बात बोली, जिस आप बात को बोल रहे हो, तो अक्सर मेरे पास एक सेशन में सवाल आता है कि सर हाउ टू हैंडल चैलेंजेस, जी, तो मैं उनको बोलता हूँ सवाल ही गलत कहते हैं, सवाल है हाउ टू वेलकम चैलेंजेस, एंड दैट्स व्हाट यू राइटली सेड। मेरे पे कोई भी प्रॉब्लम आती है ना भाई, तो मैं सोचता ही नहीं ज्यादा, मैं ठीक है हो गया, ओके कर देंगे, बस कर देंगे, और वो हो भी जाती है शायद भगवान की सुबह से, या मेरे अंदर की विल पावर कह लो, वो हो जाती है फिर ऑटोमेटिक। वंडरफुल, 10 में से 9 केसेस मेरे सॉल्व हो जाते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस, इट हैज बीन ट्रूली वंडरफुल यश विद यू एंड आई बी, कॉल मी YC प्लीज, मेरे आधार कार्ड भी YC गुजर है। अच्छा, आधार कार्ड में YC, आई कैन शो यू इफ यू वांट, रियली, यार दिखा दो यार, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, मैं चेंज कराया ऐसा, बिकॉज आई थिंक मतलब एक मजाक में एक बात बोलने के लिए करवाया कि मेरे को यश बोलोगे तो मैं वो मानसिक वाला वो केस डाल दूंगा मतलब जस्ट फॉर फन, नहीं फिर तो देखना बनता है जी, ऐसा है तो दिस इज माई पैन कार्ड, नहीं बस एक ही चीज चलेगी, सब कुछ नहीं देखना। अरे बात बात तो सही है भाई, अरे YC पूछ रहे, दिस इज माई आधार कार्ड, अरे क्या आप, वेरी नाइस, चलो जी YC जी भाई, ग्रेट, सो इट वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल टू हैव यू, और ये भी कुछ खास है, एंड आई एम श्योर यू हैव डन अ खास थिंग इन योर लाइफ। बिल्कुल, आप बहुत सुंदर खास जर्नी पे हो और आप बहुत सारी खास चीज़ें कर चुके हो, एंड आई एम श्योर आप खास करते रहो, खास करोगे। आई ट्रूली फील ओवरवेलम टू सी यंगस्टर्स लाइक यू ग्रोइंग, बिकॉज एज अ यंग, सुपर यंग आई स्टार्टेड, और मुझे लगता है कि अगर युवा सारा का सारा डायरेक्शन लेस जो है, अगर वो डायरेक्शन हो जाए, उसको मिल जाए, तो वी कैन डू नेक्स्ट लेवल थिंग्स, एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, इट वॉज थैंक यू वंडरफुल सो मच, थैंक टू हैव सच अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू। तो यार आप अपने ही बड़े सुंदर से अंदाज में रैप करते हो, तो बड़े सुंदर से अंदाज में इतना बढ़िया पॉडकास्ट गया है, जी जी, आई डन सच अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, जी जी, तो सारी सारी ऑडियंस को आप ही अपील कर दो, जोर करूंगा मैं कुछ मोटिवेट करके भी बोलना चाहूंगा कि दबा के शेयर करें सारे यंगस्टर तक, सब्सक्राइब जरूर करवा देना, बिल्कुल, और जो दिल से आए वो कह देना, दिल से ही कहूंगा भाई। सबसे पहले तो इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव कि जहां भी आप जाओ वहां पॉजिटिविटी फैला दो, और जैसे खुशबू फैलाता ना इंसान, ऐसी पॉजिटिविटी फैला दो, इतने पॉजिटिव रहो, अपने काम के लिए लॉयल रहो, जो कर रहे हो उसमें पूरा फोकस दो, और सबसे ज्यादा लोगों से प्यार करो जो आपसे करते हैं, लेकिन माँ बाप से बहुत प्यार करना है, क्योंकि माँ जैसा कोई ख्याल रख पाए ये तो ख्याल ही हो सकता है। क्या बात, तो बस यही है, और बाकी कुछ खास बनो और कुछ खास को सब्सक्राइब जरूर करो। और मेरा नया गाना आने वाला है अनवांटेड ड्रीम्स, क्या बात है, और अभी शायद ये पॉडकास्ट से पहले ही आ जाएगा, क्या बात है, तो आ गया होगा अब तक, तो जाके जो लोग YC गुज्जर चैनल पे जाके देखें, वी विश आपका नया गाना बहुत आगे बढ़े, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड उसके लिए मैं अपील कर देता हूँ कि यंगस्टर की सोच को वी शुड गोइंग टू गो फॉरवर्ड, गिव हिम लॉट ऑफ लव एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और आओ मिलकर के सारे कुछ खास करते हैं, एंड बिल्कुल Let's do something great and wonderful, and thank you once again to be on ye bhi kuch khaas hai. Next podcast mein milte hain, aur jaldi se subscribe kar lo aur bell icon daba lo. Subscribe kar hi lo ab to. Do bari bol diya yaar, ab to banta hai. Thank you so very much. Ji bhai, thank you dear. Thank you so much.